नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फोर बार चैन और जिसको हम क्वाड्रिक साइकिल चेन भी बोलते हैं, इसके बारे में। देखिए, पहले हम पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक चेन क्या होती है, काइनेमेटिक पेयर क्या होते हैं, लोअर पेयर क्या होते हैं, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। तो काइनेमेटिक चेन क्या है? कम्बिनेशन होती है, हमने बात की थी पहले भी, चार एलिमेंट का या चार से ज़्यादा एलिमेंट का, यानी कि फोर और मोर काइनेमेटिक पेयर्स का ये बनी होती है। अब इसके अंदर जो लिंक्स होते हैं, देखिए यहाँ पे हमने जो ये फोर बार चेन बनाई है, यहाँ पे फर्स्ट लिंक ये है, सेकंड लिंक ये है, थर्ड लिंक ये है, फोर्थ लिंक ये है। किसी को भी आप फर्स्ट सेकंड लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्स्ट इसको लिख लीजिए, सेकंड इसको लिख लीजिए, थर्ड इसको लिख लीजिए, फोर्थ इसको लिख लीजिए, कैसे ही लिख लीजिए। अब इसके अंदर देखिए, जो ये फोर बार चेन है, ये फोर जो सिंपल सबसे काइनेमेटिक चेन बोली जाती है, ये फोर बार चेन ही बोली जाती है, जिसको हम क्वाड्रिक साइकिल चेन भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास चार लिंक होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि काइनेमेटिक चेन के अंदर क्या होता है, चार या चार से ज़्यादा जो लिंक होते हैं, उनका जो रिलेटिव मोशन होगा वो कंस्ट्रेंड होना चाहिए, कम्प्लीटली डिज़ायर मोशन होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए तो कंस्ट्रेंड होना चाहिए। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है फोर बार चेन इसका। अब इसको हम जो हमने बोला कि क्वाड्रिक साइकिल चेन भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर चार लिंक होते हैं, एक दो तीन चार, आप इनको नाम दे लीजिए ए बी सी डी। तो ए बी सी डी यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी, ए चार लिंक हैं इसके अंदर। और यहाँ से ये चारों जो हैं ए से बी से सी से और डी से, ये कनेक्ट है टर्निंग पेयर के साथ। तो ए बी सी डी क्या है, ये टर्निंग पेयर हैं हमारे ए पे बी पे सी पे और डी पे। तो इस तरह से ये कनेक्टेड हैं। अब क्या है, अब जो ये इनके लिंक होते हैं, इनकी लेंथ भी मैटर करती है। देखिए, जो सबसे छोटा लिंक है यहाँ पे, सबसे छोटा लिंक कौन सा है, ए डी है, और सबसे बड़ा लिंक कौन सा है, बी सी है। यानी कि जो भी आपका बड़ा लिंक होगा और एक सबसे छोटा लिंक होगा, उन दोनों के लिंक की, उन दोनों का जो लिंक होगा, मान लीजिए, मान लेते हैं इसके अंदर, कोई भी इसके अंदर बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, क्योंकि हमने ये रफ फिगर ड्रा की है। मान लीजिए इसके अंदर जो दूसरा लिंक है छोटा है, और जो फोर्थ लिंक है वो सबसे बड़ा है। तो ये सबसे छोटा मान लीजिए, ये सबसे बड़ा मान लीजिए। इन दोनों का जो लेंथ होगी, जो इन दोनों की लेंथ का सम होगा, मान लीजिए जो दूसरा लिंक है ये 2 सेंटीमीटर का ही मान लीजिए, ये 4 सेंटीमीटर का मान लीजिए, तो इक्वल टू ये हो गई 6 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों की जो लेंथ है वो मान लीजिए 6 सेंटीमीटर होती है। ये जो 6 सेंटीमीटर है, इन दोनों की जो लिंक है, जो बचे दूसरा और चौथा, तो आपने ऐड कर लिया क्योंकि ये सबसे छोटा था, ये सबसे बड़ा था। तो लेकिन जो ये दो लिंक बचे, इन दोनों की जब लेंथ आपने ऐड की, जो ये लेंथ है छोटा और बड़ा जो लिंक था, इसकी लेंथ जो है इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ग्रैशोफ लॉ भी ये बोलते हैं, जो ग्रैशोफ लॉ है वो कहता है कि जो सम है शॉर्टेस्ट जो हमारा लिंक है, और जो ये लॉन्गेस्ट लिंक है, अगर इन दोनों का जो सम है ये क्या है, इन दोनों लिंक जो बचे हैं इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें जो मैकेनिज्म है, एक अच्छा मैकेनिज्म मिलता है। तो अब इसको अंदर देखते हैं कि हम जो ये मैकेनिज्म है ये हमारी किस तरह से हेल्प करता है, और किस तरह का मैकेनिज्म हम बनाते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे छोटा लिंक है, हम इसको अगर रोटेट करें, इसको हम रोटेट करें तो क्या होगा, अब जो एडी लिंक है, एडी लिंक है ये सबसे छोटा लिंक है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये सबसे छोटा है। तो एडी लिंक जो है, जब ये रोटेट करेगा तो बाकी के जो लिंक हैं वो इसके रिलेटिव में मोशन करेंगे, वो कुछ भी मोशन हो सकता है, अभी देख लेते हैं। तो जो एडी लिंक है वो सबसे छोटा लिंक है, और जो ये हमने माना कि जो बीसी लिंक है वो बड़ा लिंक है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे ही ये रोटेट करेगा तो ये जो है बाकी लिंक रिलेटिव मोशन करेंगे इसके विद रिस्पेक्ट। अब जो एडी है ये कंप्लीट एवोल्यूशन ले रहा है, यानी कि एक मैकेनिज्म बन रहा है यहाँ पे, जब ये कंप्लीट एवोल्यूशन लेता है। अब जो ये सबसे छोटा लिंक है, जो कि कंप्लीट जो रेवोल्यूशन ले रहा है, हम इसको बोल देते हैं, एक मिनट, हम इसको बोल देते हैं या ये क्रैंक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये ड्राइवर है। अब इसको हम इस फिगर से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसको आप क्रैंक और ड्राइवर बोल सकते हैं, क्यों, एक कंप्लीट रोटेशन ले रहा है। अब जो बी सी लिंक है, अब बी सी लिंक क्या है, यहाँ पे ये या तो कम रोटेट करेगा या फिर हम कहें कि ओसिलेट करेगा। तो बी सी लिंक जो है यहाँ पे, इसको आप क्या बोल देंगे, ये फॉलोवर है, क्योंकि ये ड्राइवर है,
तो ये आप इसको बोल देंगे कि ये इसको फॉलो कर रहा है, फॉलोवर आप इसको बोल सकते हैं, इसको रोकर आप बोल सकते हैं, तो रोकर और फॉलोवर कुछ भी आप बोल दीजिए। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये ओसिलेट करेगा या हाफ जो है रोटेट करेगा इस तरह से, तो ये आप बोल सकते हैं कि इस तरह का मोशन करेगा। अब जो डीसी लिंक है जो इन दोनों के बीच में कनेक्ट है यहाँ पे, तो इसको हम बोल देते हैं, इसको हम कनेक्टिंग रोड बोल सकते हैं या कनेक्टिंग लिंक आप इसको बोल दीजिए। तो ये जो हो जाएगा वो कनेक्टिंग रोड आप बोल सकते हैं या कपलर भी बोल सकते हैं इसको। तो कनेक्टिंग रोड और जो है कपलर आप इसको बोल सकते हैं, कुछ भी आप इसको बोल लीजिए, कनेक्टिंग रोड बोल लीजिए क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है इसको इसके साथ, तो ये कपलर है। अब जो ये फिक्स लिंक है ए बी जो फिक्स लिंक है इसको आप बोल देते हैं कि ये फ्रेम है, क्योंकि ये रिजिड है, फिक्स है, तो आप इसको फ्रेम बोल देते हैं पूरे मैकेनिज्म का। इसको आप समझिए, इससे आसानी से आपको समझ आएगा। यहाँ पे ये जो लिंक है, जो ये जो रोटेट कर रहा है इस मैकेनिज्म के अंदर, ये कौन सा लिंक है, इनमें से आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा रोटेट कर रहा है, एडी। तो यहाँ पे ये जो लिंक है ये एडी है जो रोटेट कर रहा है। डीसी जो कनेक्टिंग रोड है और कपलर है, तो डीसी ये क्या है हमारा, ये हो गई कनेक्टिंग रोड या कपलर। उसके बाद जो हमारा बीसी है, अब देखिए जो बीसी है ये फॉलोवर है, तो यहाँ पे जो पिस्टन है ये मूव करेगा इस तरह से, इस तरह से एडी रोटेट कर रहा है, ये जो है डीसी ये कनेक्टेड है और जो बीसी है ये फॉलो कर रहा है, तो ये पिस्टन है इस तरह से फॉलो कर रहा है बीसी। तो अब यहाँ पे ये जो बीसी है ये क्या है, जो हमारा रिजिड लिंक है वो क्या है, ये फ्रेम है, क्योंकि ये सिलेंडर जो है ये तो मूव नहीं करेगा, ये तो रिजिड रहेगा, फिक्स रहेगा, ये घूमेगा, ये से कनेक्ट है और ये ओसिलेट करेगा जो पिस्टन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर जो कि हमारा ये पूरा मैकेनिज्म है। तो ए बी सी डी जो है इस तरह से मैकेनिज्म आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा क्रैंक है वो कौन सा है, लिंक ए डी है, और जो हमारा कहें कि फॉलोवर है वो कौन सा है, ऑसिलेटिंग मोशन जो दे रहा है वो बीसी है। इसके अंदर हो क्या रहा है, हमारा जो रोटरी मोशन है ये रोटेट कर रहा है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह के मोशन के अंदर, या कहें कि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर, या कहें कि इस तरह के टू एंड फ्रो मोशन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह का मैकेनिज्म हम बना सकते हैं। तो ये है फोर बार चेन और क्वाड्रिक साइकिल चेन मैकेनिज्म। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।